हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग टिम्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो नोट्स बनाना कितना जरूरी होता है। हर एग्जाम में एक नोट्स आपके लिए जरूरी होता है, जो आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा मदद करती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैक्सिमम लोग गेट की तैयारी करते होंगे, गेट का हो गया, SSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होता है, जिसको हम लोग प्रीफर करते हैं। लाइक अगर तुम गेट की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल, मैं बार बार कहा हूं कि तुम हैंड रिटन नोट्स या फिर तुम स्टडी मटेरियल खरीद लिए हो किसी एक कोचिंग का, वो स्टैंडर्ड होता है। तो तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए। अब क्या करोगे कि चूंकि स्टैंडर्ड बुक में सारा कुछ नहीं रहता है, तो हमें अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें उसमें इंक्लूड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए हम लोग यूट्यूब का, गूगल का यूज करते हैं। तो अब वहां पे जो समझ में आई उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, तो गलती कहाँ पे होती है कि हम लोग भी ऐसे करते हैं कि अब मान लेते हैं गूगल से तुमने कुछ पढ़ा, उसमें उसी चैप्टर के, उसी सब्जेक्ट का, उसी चैप्टर का गूगल से कोई प्रॉब्लम तुमने सॉल्व किया, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब चूंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड बुक में वो चीज़ें नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एक अलग कॉपी में लिखते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो कॉपी कहाँ चला जाता है हमें खुद नहीं पता चलता है, ठीक ना। फिर हम ढूंढते रहते हैं कॉपी और वो पाइलअप हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है, जो आपका रेफरेंस बुक है, जिस बुक में आप सब बना रहे हैं, उसी बुक में आपको सब कुछ को पाइलअप करना है, ठीक है ना। हो सकता है कि उस बुक में लास्ट में एडिशनल 4-5 पेज जोड़ना पड़े, 10 पेज जोड़ना पड़े, आप उसको प्रिंट आउट करके लाओगे और उसको स्टेपनी कर दोगे। एक जो बुक होगा आपका किसी भी सब्जेक्ट के लिए, लाइक अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, या फिर हम सिविल का कोई सा भी होगा, इन्वायरमेंटल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अब क्या है कि हम एक जो हमारा होगा स्टैंडर्ड बुक होगा, वो कोई सा भी हो सकता है, गेट का, स्टडी मटेरियल का, कोई सा भी स्टैंडर्ड बुक होगा, उस बुक में ही हमको एडिशनली डालना है। वो कैसे डालना है वो आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक बुक है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इस बुक में सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट का भी बुक होगा उसका आपको पहला जो आपको दिखेगा ना, यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे ये स्टिकी नोट्स इसको कहते हैं, फर्स्ट पेज पे आप क्या करोगे, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सिलेबस चिपका दो। जैसे कि आपको पता है डिजिटल में क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस चिपका दिए पहले पेज पे। उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो देखो इसमें हर जगह पे आपको स्टिकी नोट्स दिखेगा। ये देखो स्टिकी नोट्स दिख रहा है, कई सारा स्टिकी नोट्स दिखेगा आपको, ठीक ना। ये देखो स्टिकी नोट्स दिख रहा है आपको, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो ये सारे स्टिकी नोट्स। उसके अलावा लास्ट में अगर हमें कुछ एडिशनल अटैच करना है तो देखो बहुत सारे स्टिकी नोट्स तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। अब मैं ये बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीजें हैं, इसको स्टिकी नोट्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे तरीके से आता है, ये अभी एक स्क्वायर स्टिकी नोट्स है, तुम्हें स्ट्रिप्ड स्टिकी नोट्स आता है जिसमें कि स्ट्रिप रहेगा, तो ये इसमें और बड़ा साइज का आता है, तुम ऐसा स्टिकी नोट्स खरीद लोगे। इसमें क्या होता है, ये चिपकने वाला होता है। अब क्या किया हमने, क्या किया, कोई चैप्टर पढ़ा और हमें चैप्टर पे हमें कुछ मिला, हमें गूगल से, अब उस चीज़ को हमें नहीं समझ में आ रही है, तो हमने गूगल किया और उस चीज़ वो हम क्या किए, अब स्टिकी नोट्स पे हमने लिख लिया। और चैप्टर का जो पेज है ना, चैप्टर का जो कहीं ऊपर में है, ठीक है ना, ऊपर में है कहीं पे, हमने इसको इस तरीके से ऊपर में कहीं चिपका दिया, ये लिखा हुआ हो गया। अब क्या है कि कुछ सवाल को सॉल्व करने का हमने खुद से तरीका निकाला कि भैया इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट आती है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, लिख दोगे। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, मगही में लिखना है, किसी भी भाषा में। हम तो ऐसे करके भी लिखते हैं कि मैं ये किया, मैंने यहाँ से ये लिया, यहाँ से ऐसे इनपुट डाला। तुम अपने लैंग्वेज में लिखो, जिस लैंग्वेज में लिखना है, हम ई के लिया, हमनी के ई के लिए बारे, जो भी तुम्हें करने का होगा करके। हमारा मेन टारगेट है, हमें क्वेश्चन बननी चाहिए, उसको चिपका दोगे तो ये जो तुम्हारा एक जो तुम्हारे हाथ में बुक आएगा ना, वो बुक तुम्हारे स्टैंडर्ड बुक हो जाएगा, और उसको तुम एग्जाम के 10 दिन पहले एक बार देख लोगे तो पूरा सब्जेक्ट तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, बहुत सारे कॉपी में नोट्स बनाना और एक बुक में ही नोट्स बनाना, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। अब तुमको स्टिकी नोट्स मार्केट में खरीदना, तो 2-3 तरह का स्टिकी नोट्स खरीदना, एक तो पूरा स्क्वायर वाला स्टिकी नोट्स खरीदना, एक खरीदना स्ट्रिप वाला जिसमें कि छोटा छोटा स्ट्रिप रहता है। अब कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एग्जैक्ट कोई न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल में तुम्हें बार बार प्रॉब्लम आती है, तो वहां जहां पे वो न्यूमेरिकल है वहां पे रेड स्ट्रिप ले लेना और डाल देना। रेड मार्क का मतलब होता है कि ये खतरनाक जोन है, तो जब भी तुम टाइम मिले उस खतरनाक जोन में लैंड करना और उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज मार देना। तो इस तरीके से मल्टीपल अप्रोच करा जाता है नोट्स बनाने के लिए। कई और भी वीडियो ले आऊंगा नोट्स बनाने के लिए, और मेरे तो बहुत सारे नोट्स इधर उधर है, तो अगर होगा मौका मिलेगा तो मैं नोट्स दिखाऊंगा।
सो गाइस स्ट्रैटेजी बनाओ नोट्स को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, तुम्हारा नोट्स तुम्हारा दोस्त बन जाएगा एग्जाम के टाइम में। थैंक यू गाइस।